नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज एडी जेट। महिला सब इंस्पेक्टर का वर्दी में लाइव हंगामा। डॉक्टर के क्लिनिक पर महिला सब इंस्पेक्टर का वर्दी में लाइव हंगामा। पति का इलाज कराने डॉक्टर के क्लिनिक पर गई थी महिला सब इंस्पेक्टर। कोविड रिपोर्ट मांगने पर हुआ हंगामा। डॉक्टर ने मांगा कोरोना रिपोर्ट तो सब इंस्पेक्टर ने लगाया सौतेला व्यवहार का आरोप। यूपी के महाराजगंज जिले में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर उस समय हंगामा हो गया जब जेल चौकी इंचार्ज महिला सब इंस्पेक्टर कंचन रॉय अपने बैंक कर्मी पति आशुतोष रॉय को इलाज कराने शहर स्थित डॉक्टर निशांत के क्लिनिक पर गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले स्टेट बैंक में बैंक कर्मियों की जांच हुई तो ज्यादातर बैंक कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं महिला सब इंस्पेक्टर के पति की भी जाँच हुई थी लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। लेकिन कुछ दिनों से पति को फीवर होने के कारण सब इंस्पेक्टर कंचन रॉय अपने पति को दिखाने क्लिनिक गई थी। डॉक्टर के स्टाफ ने उनके पति को पहचान लिया और यह कहते हुए पर्ची आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया कि आप पहले अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखाइए। इतने में आग बबूला सब इंस्पेक्टर अपने पति को लेकर निकल गई और दोबारा रिपोर्ट के साथ कोतवाली का पुलिस कर्मियों को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई और सारे मरीजों से कोरोना रिपोर्ट मांगने लगी, जिस पर डॉक्टर ने विरोध किया तो हंगामा हो गया। हंगामे का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। डॉक्टर निशांत ने बताया है कि महिला सब इंस्पेक्टर अपने पति और चार अन्य पुलिस वालों के साथ आकर क्लिनिक पर बवाल कर रही थी। सारे मरीजों से कोरोना रिपोर्ट मांगने लगी, वर्दी का रौब झाड़ने लगी। वहीं सब इंस्पेक्टर ने बताया है कि वो अपने पति का इलाज कराने गई थी तो हमसे कोरोना का रिपोर्ट मांगा गया और फिर जब दोबारा रिपोर्ट लेकर पहुंचे तो मैंने मरीजों से कहा जिनके पास कोरोना का रिपोर्ट होगा उसी का इलाज होगा। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा हंगामा करने से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा और काफी देर बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। समाचार टू जेड के लिए महाराजगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। हम लोगों का सम्मान करते हैं पेशेंट को मेरा नाम अल्ताफ है, मैं यहाँ अपने क्लिनिक का मैनेजर हूँ। ये कंचन राय जी आई हैं और मुझसे बोली हैं कि मेरे पेशेंट को दिखलाना है। तो पेशेंट का नाम था आशुतोष राय। उन्होंने मुझसे कहा कि 7 दिन से मुझे फीवर आ रहा है। मैंने पूछा कि आपका कोरोना का टेस्ट हुआ है तो उन्होंने कहा कि कोरोना का टेस्ट हुआ है और निगेटिव रिपोर्ट आया है। तो मैं कहा सर आपका रिपोर्ट निगेटिव आया है तो फिर आप मुझे रिपोर्ट दिखला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट नहीं है मेरे पास, रिपोर्ट घर पर है। तो मैं कहा ठीक है सर, रिपोर्ट लेता ही है, मैं आपका पर्चा बना देता हूँ। इतने में जो है फिर वो पर्चा मैंने उन्होंने बना दिया है। मैंने पर्चा ला करके डॉक्टर के अंदर के केबिन में रख दिया है। इतनी मेरी बात हुई है, फिर वो हाइपर होकर के चली आई और मुझसे वो बोल रही थी कि मैं वेट नहीं करूंगी, मेरे पेशेंट को आप जल्दी दिखा दीजिए। बस इतना ही मुझसे बात हुई है। ऐसा नहीं हुआ, हम अपने हस्बैंड को लेकर के जो है डॉक्टर साहब के यहाँ गए हुए थे तो वहाँ पे जो है क्या हुआ कि जो है हम अपना 300 रुपए दिए उनको, पर्ची अपना कटवाया। उसके बाद जो है उनके स्टाफ कोई जो उनका एक स्टाफ था उनको पहचानता था तो कहा सर आप SBI से आए हैं, तो हम लोग कहे हाँ सर SBI से आए हैं। तो उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो कहे कि आपकी कोरोना रिपोर्ट कहाँ है, तो हम लोग कहे सर रिपोर्ट तो जो है कल हमें मिल गई है और RT-PCR रिपोर्ट भी निगेटिव है, इसके पहले की भी रिपोर्ट निगेटिव है। तो कहे कि जब रिपोर्ट लेकर के आई हमें कहे सर कहिए तो हम सीएमओ ऑफिस साहब से बात करवा दें और आप कोई टेस्ट और कोई दवाई तब तक लिख दीजिए, तब तक हम रिपोर्ट लेके आ रहे हैं।
कहे नहीं जब तक आप रिपोर्ट लेकर के नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। उसके बाद हम आए वापस रिपोर्ट लेकर के गए, और रिपोर्ट ले जाने के बाद हमने जितने भी वहाँ पे जितने भी मरीज थे 30 लोगों के करीब 35 लोग थे, मैंने सबको बाहर निकाला और मैंने कहा कि अब वही उन्हीं डॉक्टर का उन्हीं लोगों का डॉक्टर साहब इलाज करें जिनके पास कोरोना की रिपोर्ट हो। अगर कोरोना की रिपोर्ट के बिना अगर इलाज नहीं करें तो इसका मतलब है कि हमारे हमसे जैसे पूछ रहे हैं वैसे 30 लोगों से और भी पूछें कि मतलब 30 लोगों के पास रिपोर्ट है कि नहीं है तभी ना इलाज करेंगे, बाकी तो किसी से नहीं पूछ रहे हैं कि रिपोर्ट है कि नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि हमें पहचान है, तुमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास रिपोर्ट है कि नहीं है। बाकी सभी लोग उसी तरह से बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई पालन नहीं हो रहा, उसके बाद ये सबका इलाज कर रहे हैं। सर पूरी घटना सर यही है। उसके बाद वो खुद ही निकल के आए हैं, उसके बाद उनके स्टाफ हम लोगों के साथ खुद बदतमीजी किए हैं। उसकी वीडियो भी आपको भी पता होगी कि उन्हीं की स्टाफ वीडियो भी बना रहा था, हमारे यहाँ से कोई वीडियो बना रहा था न कुछ हो रहा था, और वो देख ही रहे हैं कि किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि सर नियम कानून अगर है कोई तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, जैसे सबके लिए उसी तरह हमारे लिए भी होना चाहिए। अगर ये 30 स्टाफ जो 30 आपके मरीज जो बैठे हैं क्या इनके पास कोरोना की रिपोर्ट है, क्या तो सबकी पहले आप कोरोना की रिपोर्ट ले लीजिए फिर इलाज शुरू करिए। अगर कोरोना की रिपोर्ट लेकर के सबका इलाज नहीं करना है तो फिर हम इसकी और रिपोर्ट मांग रहे हैं। जी मैं डॉक्टर निशांत इंटरनल में डायबिटीज केयर सेंटर में अपने क्लिनिक पे बैठ के पेशेंट देख रहा था, उसी समय ये महिला आई कहते हैं पुलिसकर्मी और अपने फ्रंट रिसेप्शन पे अपने पति को दिखाने के लिए, पहले तो उन्होंने ये रोब जमाने की कोशिश की कि उन्हें तुरंत अटेंड किया जाए। उसके बाद नंबर जब आया तो वो आई दिखाने के लिए अपने पति को, और पति ने बताया कि मुझे एक हफ्ते से बुखार आ रहा है, और उनके पति SBI के कर्मचारी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम और सर आपका क्या कोरोना का जाँच हो गया है, क्योंकि एक हफ्ते से बुखार आ रहा है और ये नहीं जा रहा है तो एक बार कोरोना का जाँच होना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सर ये कोरोना का जाँच हो गया है, अभी मेरे पास नहीं है और नेगेटिव है। तो मैं बोला मैम एक बार दिखा दीजिए और उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं फॉर्म करूंगा, अगर कोरोना है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग होगा, और अगर नहीं है तो मुझे और बाकी जांचें करानी पड़ेगी टाइफाइड मलेरिया या किसी और जांच को देखते हुए कि भैया क्या उनको किस कारणवश बुखार आ रहा है ताकि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो सके। तो इस बात पे वो मतलब कहते हैं बोली कि डॉक्टर साहब कहते हैं तब मेरा फीस रिटर्न कर दीजिए, मैं अभी नहीं देखा पाऊंगा। तो मैंने उनका फीस रिटर्न कर दिया, वो चले गए। 2 घंटे के बाद वो आई 3-4 कांस्टेबल को लेके और मेरे मरीजों को धमकाने मकाने लगी, डंडा दिखाने लगी और पूछने लगी सब मरीजों से कि आपका कोरोना का जांच हुआ, आपका कोरोना का, आप कैसे बैठी हैं यहाँ पे, क्या डायबिटीज का मरीज, हार्ट का मरीज जिसको चक्कर आ रहा है क्या वो कोरोना का जांच कराएगा कि बुखार वाले मरीज? कोरोना का जांच वही कराएंगे ना जिनको सूखी खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, दम फूल रहा है, कि सारे मरीज दुनिया के कहते हैं कोरोना का जांच करा लेंगे। इस पे बहुत हंगामा हुआ, फिर मैं बाहर निकल के उनसे बोला कि भैया आप ये गलत कर रही हैं, क्या आप मतलब किस कारणवश आप ये सब काम कर रही हैं, यहाँ पे किस परमिशन से आप आई हैं? उसके बाद बाकी सारे पेशेंट्स भी थे वहां पे, कुछ लोग भी थे जो उनको बहुत उनको फिर उनको बोला गया कहते हैं बाहर जाइए फिर यहां से, तब वो गई हैं यहां पे इतना बवाल करने के बाद। मैं तो यहां जनसेवा के लिए बैठा हूं लेकिन इस तरह का मतलब माहौल कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। जी 2 कांस्टेबल 3 कांस्टेबल लेके आए थे और सब डंडे लेके आए थे, बाद में कांस्टेबल लोग सॉरी सॉरी बोलने लगे लेकिन ये महिला बिल्कुल चढ़ी हुई थी और मतलब कहते हैं बिना आधार की बातें कर रही थी।